आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रेवी चिली चिकन। यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और आसानी से बन जाता है। तो चलिए बिना देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में लेंगे 200 ग्राम चिकन, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 अंडा लेंगे और उसे तोड़ देंगे। अंडे को अच्छे से फेंटे। इसमें फेंटा हुआ अंडा डालेंगे। मैंने ये 1/2 से ज़्यादा डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। 1/2 घंटे बाद चिकन को फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करेंगे जब तक यह सुनहरा और कुरकुरा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद इसे पलट लेंगे। तो देखिए अच्छे से सुनहरा हो चुका है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो अब इसे निकाल लेते हैं। तेल में डालेंगे 1/4 चम्मच शक्कर, 2 से 3 कटा हुआ लहसुन, 1/4 चम्मच कटा हुआ अदरक। इसे एक बार चलाकर इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी चलाकर इसमें डालेंगे 2 से 3 कटा हुआ प्याज। इसे 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं। अब इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ शिमला मिर्च। इसे भी फ्राई करेंगे 30 सेकंड हाई फ्लेम पर। अब इसमें डालें 4 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। इसे हाई फ्लेम पर पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। तो तेल अलग हो चुका है। अब इसमें डालेंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। सब कुछ अच्छे से मिलाकर 1 मिनट तक पकाएं। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर वाला पानी। कॉर्नफ्लावर का पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे 1 मिनट के लिए पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें डालें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिलाकर गैस बंद कर दें। तो तैयार है हमारा ग्रेवी चिली चिकन। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।